हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कुछ जो है एनर्जी लेवल डायग्राम है, जैसे कि H2, N2, O2, C2, F2 आदि, उनके अंतर्गत यहाँ पर हमने आज एक जो O2 मॉलिक्यूल है उसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर देखेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरह इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है किस तरह निकलता है, इसका आणविक विन्यास है वो किस तरह होता है और इसका चुंबकीय गुण किस तरह होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो O2 अणु या OT मॉलिक्यूल, तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः O2 अणु में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है या निम्नवत होता है। क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, तो प्रत्येक यहाँ पर O2 दिया हुआ है तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में परमाणु क्रमांक होगा वो 8 होता है। तो कहने वाली ये है कि दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं का जो परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 + 8 = 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो O2 मॉलिक्यूल में होंगे। तो O2 मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको हम यहाँ पर देख करके देखेंगे कि किस तरह किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है O2 अणु, तो वहां पर देखते हैं हम यहाँ पर कि के यहाँ पर है कि फर्स्ट कोस, प्रथम कोस, तो यहाँ पर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ये O2 अणु का क्या है? आणविक विन्यास है और इसके माध्यम से हम क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर को हम हिंदी में बंधन कोटि कहते हैं और बंधन कोटि का जो सूत्र है वो क्या है? 1/2 NB - NA/2, NB - NA/2। तो यहां पर ये जो फार्मूला है उसमें हम जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम भरेंगे और जो Na है उसमें भरेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और अपान टू करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी है NB - NA/2, तो इसको हम सिरे से मतलब जो है यहां से देखते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा और बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा। शुरुआत फिर से हम करेंगे यहाँ पर π·2px तथा π·2py कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात O2 अणु में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन अनचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। बंधन कोटि या बॉन्ड ऑर्डर क्या है? NB - NA/2। तो नंबर ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4/2। तो यहां पर कितना आया? 2 आया। तो इसकी जो बंधन कोटि या बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2 आया। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो अणु है चाहे वो O2 हो N2 हो F2 हो उनमें सभी में
हम उसके बॉन्ड ऑर्डर से ये पता कर सकते हैं कि O2 या जो भी अणु है उस उनके दोनों परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो अर्थात ऑक्सीजन अणु में दो सहसंयोजी बंध, कहने वाले यह है O डबल बॉन्ड O होता है। ये जो हमारा O2 अणु का आणविक विन्यास है वो कैसे आया, कहां से आया, तो यहां पर एक एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है साइड में, तो यहां इसको समझेंगे बहुत ही बारीकी से, क्योंकि यहां से ही या फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये थ्योरी अपने आप लिख लेंगे। तो ये जो फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम जानेंगे कि इसका जो O2 अणु है उसका आणविक विन्यास किस तरह हमने निकाला। तो आइए देखते हैं यहां पर, यहां पर हम देखेंगे ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है O2 अणु का। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है, कहने वाले ये है O2 अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और उन ऑक्सीजन परमाणु का एक ऑक्सीजन परमाणु लेफ्ट साइड में है उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे और दूसरे ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम राइट साइड में ऑर्बिटल में फिल करते जाएंगे। तो जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन हम भरते चले गए, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 होता है तो उसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो आता है 1s2 2s2 2p4। उसी तरह हमने यहाँ पर लिखा है 1s2 2s2 और 2p4। इसी तरह यहां पर भी 1s2 2s2 2p4। तो एक ऑक्सीजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम इस साइड में भरेंगे, दूसरे के इस तरह भरेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमने यहां पर एक ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल लिया है, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन का ऑर्बिटल लिया है, उनसे दो तरीके के ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि जिनसे ये बने होते हैं उनसे इनकी ऊर्जा सदैव ही कम होती है, और दूसरे वो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो उन्हें हम स्टार चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिनसे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने होते हैं उनसे ये सदैव ही इनकी ऊर्जा अधिक होती है। कहने वाली यह है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी ऊर्जा जिनसे ये ऑर्बिटल बने होंगे उनसे सदैव ही इनकी अधिक होती है। तो देखते हैं यहां पर जो सिग्मा 1s2 है और सिग्मा 1s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर सिग्मा 1s में और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये सिग्मा 1s2 हो गया, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां से सिग्मा स्टार में जाता है और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आता, तो ये सिग्मा स्टार 1s2 हो गया। ठीक इसी तरह यहां पर ये 2s2 है जो कि ऑक्सीजन का है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है सिग्मा 2s में और एक इलेक्ट्रॉन यहां 2s से यहां आता है, तो ये सिग्मा 2s2 बन जाता है, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से सिग्मा स्टार 2s में चला जाता है जिससे कि ये भी ऑर्बिटल फिल हो जाता है। अब 2p4 है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है px से वो आता है, सबसे पहले यहां से जो है ये भरेगा क्या 2pz का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2pz का इलेक्ट्रॉन आकर ये सबसे पहले यहां पर फिल हो जाता है, उसके बाद जो है 2py से एक इलेक्ट्रॉन और 2py से इलेक्ट्रॉन आकर ये फिल हो जाएगा, उसके बाद 2px से एक इलेक्ट्रॉन और 2px से इलेक्ट्रॉन आकर ये फिल हो जाता है, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां से और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां से वो π स्टार 2px में और π स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहां पर जो
पीएफ का एक इलेक्ट्रॉन और इस पीएफ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं जाता है एक ही में कॉलम में, क्योंकि ये पाई स्टार टू पीएफ बराबर पाई स्टार टू पी वाई, कहने वाले इन दोनों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है, इसीलिए इन ऑर्बिटलों को, ये जो ऑर्बिटल हैं इनको हम क्या कहते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये दो ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जिसके कारण इनका जो नेचर है या इनकी जो इन्हें कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कहने वाले दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे कि उनमें क्या होगा कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हमने बताया यहाँ पर कैसे होते हैं, अनचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर यही पूरा फिल होता तो डायमैग्नेटिक होता, और जिसमें इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर भरा हुआ है तो वो कैसे होंगे, आपके अनचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो O2 अणु का जो हमने आणविक विन्यास किया तो वो यहीं से किया हमने, आपको देखते हैं कि जो बनेस होता है, बनेस को हमने लिखा है के लिख लिया, यहां लिखा सिग्मा 2H2 तो सिग्मा 2H2, इसके बाद सिग्मा स्टार 2H2 तो सिग्मा स्टार 2H2, फिर आया सिग्मा 2PZ तो सिग्मा 2PZ, फिर आया पाई 2PX तो पाई 2PX2, इसके बाद पाई 2PY तो पाई 2PY2, फिर आया पाई स्टार 2PX1, ये आया पाई स्टार 2PY1, ये आया। तो इस तरह O2 अणु का जो आणविक विन्यास होता है वो मध्य में चलते हैं, और परमाणु का जो आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इस तरह साइडों में चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।